जिसका था आपको इंतजार वो वीडियो हो गई है तैयार। आज का टॉपिक जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, जो सबसे बड़ा दिक्कत है बच्चों के अकाउंट्स के पेपर में वो ये है कि उनका टाइम मैनेज नहीं हो पाता। कहते हैं सर हमें सब कुछ आता है पर 3 घंटे में हमारा पेपर हो नहीं पाता है। तो हम बात करने वाले हैं कि हम उस टाइम मैनेजमेंट को कैसे ठीक करें। तो ध्यान से समझना, ये 2 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकता है। जो बच्चे 70 नंबर ला सकते थे वो पूरे 80 ले आएंगे, क्योंकि आपका जो छूट रहा है पेपर टाइम की वजह से, उसकी मैनेजमेंट की बात की जा रही है यहाँ पे। तो बात को ध्यान से समझना कि देखो टाइम मैनेजमेंट की क्या होता है। कोई टाइम मैनेजमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती। हम क्या करते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, आपको बोला जाता है कि प्रैक्टिस करो तो उससे आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। वैसा कुछ टाइम मैनेज नहीं होता। रियलिटी आपको बताओ, उसके पीछे का रियलिटी क्या है। देखो ऐसे अगर आप एक पेपर उठा के कर रहे हो तो आपको सोचना पड़ता है क्वेश्चन करते टाइम कि यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, यहाँ पे मैं कैसे करूं। लेकिन वही जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो वैसा सेम सिमिलर क्वेश्चन, जैसे अगर मैंने आपको एक अकाउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन दिया, ध्यान समझना स्टोरी को, मैंने आपको अकाउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन दिया, तो जब आप पहली बार उस क्वेश्चन को करोगे तो आपको 10 मिनट लग रहे। वही क्वेश्चन मैं दूसरी बार कराऊं तो आपको 1 मिनट कम लगेगा। तो वही क्वेश्चन मैं जब आपको 10वीं बार कराऊंगा ना तो आप वो क्वेश्चन 5 मिनट में कर दोगे। तो आपका 5 मिनट का टाइम सेविंग हो गया, आपकी स्पीड थोड़ी ना बढ़ी, आपको याद हो गया था चीज कि आप ये कर रहे थे तो ऐसे ऐसे लगाना है, सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब जो सोचने का टाइम था वो हट गया, जिसकी वजह से आपका टाइम सोचने वाला बच गया, तो जो छूटा हुआ पोर्शन था वो हो जाता है। बस यही है टाइम मैनेजमेंट, और कुछ भी नहीं है। तो मतलब आपको करना है क्या, तो आपको अपना चैप्टर, हर एक चैप्टर्स को क्लियर करने का, मतलब देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो है कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे तो टाइम मैनेजमेंट की तो बात ही है। फिर तुम 80 में से 80 तो लाने वाले हो नहीं, फिर तुम 50 वाले हो तो 50 वाली वीडियो आई हो, देखो टॉपिक को याद करो कर लो। लेकिन हाँ, अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको सब कुछ आता है, और आपके साथ ये परेशानी है कि आप क्वेश्चन मतलब पेपर को 3 घंटे में नहीं कर पाते हो, कि आपको 3 की जगह 4 घंटे मिल जाए तो आप वो पेपर कर सकते हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो ये है कि आप एक पेपर लेके बैठो, 3 घंटे का टाइम लगाओ टाइमर, और उस पेपर को करो। पहली बार जब आप वो पेपर करोगे तो 3 घंटे में नहीं होगा किसी का, मेरा भी नहीं हुआ था, मुझे भी पहली बार पेपर को करने में 4 घंटे लगे थे। लेकिन जैसे जैसे आप वो पेपर करते होगे, पहला पेपर, फिर दूसरा पेपर, फिर तीसरा पेपर, चौथा पेपर, पांचवा पेपर, तो एक टाइम ऐसा आएगा 10 पेपर के बाद कि वो पेपर आपका 3 घंटे से पहले होने लगेगा। मेरे साथ तो एक बार ऐसा था कि जब मैंने 10 पेपर कर लिया तो जब मैंने 11वां पेपर किया था तो मेरा वो पेपर 2 घंटे में हो गया था, और मेरा जो बोर्ड का एग्जाम था वो मैंने 2.5 घंटे में कर लिया था। तो बस ये एक यही एक टाइम मैनेजमेंट का सॉल्यूशंस है कि आप क्या करो, पेपर्स की प्रैक्टिस करो। उससे होगा क्या कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन दिमाग में घुस जाएंगे, कि आपको पता होगा कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे करो ना, सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो सोचने वाला टाइम बच जाएगा और आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके देखो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। जय भारत, जय माता दी।